घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सारे मुलाजमीन कहाँ है और चची जान कहाँ है? बेगम साहिबा तो एक हफ्ता पहले ही मुल्क से बाहर चली गई हैं। मुल्क से बाहर गई हैं? कहाँ गई हैं? और रामीन कहाँ है? रामीन? रामीन बीवी भी उनके साथ ही गई हैं। साथ लेकर गई हैं? कहाँ गई हैं? कितने अरसे के लिए गई हैं? वो लंबे अरसे के लिए गई हैं या शायद हमेशा के लिए गई हैं। जाते जाते सारे मुलाजमीन को फारिग किया उन्होंने और मुझे हवेली की देखभाल के लिए रखा है और दो चौकीदार गेट पर हैं। बाकी सबकी छुट्टी कर दी उन्होंने। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रामीन को अपनी कस्टडी में कर लो, मगर तुमने देर कर दी। पाकिस्तान आकर जो सबसे पहले तुम्हें काम करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया। तुम्हारे सर पर जो नगीन की मोहब्बत का भूत सवार था ना, पाकिस्तान आते ही तुम उसको ढूंढने के चक्करों में लगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ये सब कुछ नगीन की वजह से ही हुआ है। मेरी जिंदगी में जितनी नाकामियां जितने मसाइल हैं सबकी जिम्मेदार सिर्फ नगीन ही है। पहले उसकी मोहब्बत के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत खराब की, चचा जान का सियासी करियर तबाह किया और फिर एक एक करके मैंने अपनों को खो दिया। पहले चचा जान, फिर नरमीन और फिर बीजान। बीजान जो मेरा सब कुछ थी, वो मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई और जिस तरह गई है मैं उस कर्क को कभी भुला नहीं सकता। ठीक कह रहे हो तुम, उस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बेटी थी तुमसे, वो भी हमेशा के लिए छीन ली। क्या करोगे अब तुम सुल्तान? किसके सहारे ये जिंदगी गुजारोगे? मेरी मान तो दोबारा शादी कर। आजकल यही सोच रहा हूँ यार। थैंक गॉड यार कि तुमने ये डिसीजन तो लिया। आई एम श्योर तुम्हारी जिंदगी में लड़कियों की कमी नहीं होगी, मगर फिर भी कोई है तुम्हारी नजर में लड़की? या हाँ, लड़की तो है, लेकिन एक छोटा सा मसला है। क्या मसला है? वो लड़की शादीशुदा है और अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। नगीन की बात कर रहे हो ना तुम? तेरी सुई आज भी वहीं अटकी हुई है। मैं तुझे समझा के थक गया हूं सुल्तान। एक जिंदगी मिली है यार, क्यों कर रहा है तू अपने साथ ऐसा? मेरी बात मान, थोड़ी देर के लिए अपने दिल से सोचना बंद कर और अपने दिमाग से सोचना शुरू कर। इस बार मैंने दिमाग से सोचकर ही फैसला किया। मुझे जितने जख्म लगे हैं वो नगीन ने दिए ना मुझे, अब उन पर मरहम भी वही लगाएगी। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार नगीन है, अब मेरी वीरान जिंदगी में खुशियों के रंग भी वही भरेगी। वो मुझे जरूर मिलेगी, उसको पाने के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा। क्या कर रही हैं? पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही हैं क्या? हाँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं।
नहीं, ये वाला ड्रेस पहने ना जो भाई ने गिफ्ट किया था, तो बहुत अच्छा है यार, बहुत फॉर्मल हो जाएगा। मैंने सोचा ये ब्लैक कलर पहनूं। अरे नहीं भाभी, बिल्कुल फॉर्मल नहीं होगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही ना मैचिंग इयररिंग्स भी है मेरे पास, हाई हील्स पहनेंगे, बहुत अच्छी लगेंगी, प्रॉमिस। ठीक है, ये